आज आप एनटीएससी के क्वेश्चन की तैयारी करने आ रहे हाँ, मेनली मैं तुम्हें मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, क्योंकि आने वाले दिसंबर के पेपर दे विच बहुत चांसेस है कि प्रीवियस ईयर जो कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जैक्टली सेम तो नहीं पर पैटर्न सेम रह सकता है। सो ओ तुम्हें किमें तैयारी करनी है, तुम क्वेश्चन देख के होर क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओगे। सो कुछ ट्रिक्स एंड कुछ मैथड थोड़ा मैं अब डिस्कस कर जा रही हूँ। सो पहला क्वेश्चन है जिमें फर्स्ट क्वेश्चन दे विच जी आप इथों इत तक जाना तो यदा की पैटर्न है, इथों इत तक जाना तो की पैटर्न है, इदा ही इथों इत तक जाना की पैटर्न है, फिर आपको आप वाला समझ आ सकता है। सो स्टार्टिंग करिए अगर आप 28 से 33 जो अब आप क्वेश्चन कर जा रहे हो, सो आप लाइन वाइज देखा पहला आठ नंबर है कि इन्हों का की पैटर्न बन रहा है। ठीक है, जिमें आप चेक करेंगे कि फर्स्ट टू नंबर से विच की पैटर्न बन रहा है, सैकेंड टू नंबर च की बन रहा है, अगले दो च की बन रहा है, वो तो आपको आ वाला पैटर्न भी क्लीयर हो जाएगा। सो सब तो पहला देखिए अगर आप 28 से 33 दोनों का विच किन्ने का गैप है, आप देखिए 33 दे विच अगर आप 28 माइनस करिए तो कि बचता है 5। सिंपल जी गल है कि यह कि बनया वे, जे मैं ये 28 के किन्ने ऐड करदा 5 ऐड करदा, पहला क्लीयर हो गया जी। 33 से 31 च आपस गैप देखिए इन्हें च की गैप है, 33 तो दो होर नंबर पिछे जाना पैना 31 तक पहुंचने लिए। कहने का मतलब इस चो इन्हें की किया, दो नू माइनस किया, दो नू की किया है माइनस, क्योंकि जे पिछे जाना पेगा तो आप कहेंगे माइनस, जे अगे जाना पै तो आप कहेंगे प्लस। दैन 31 से 36 के अगर आप देखिए 31 से 36 इन्हें की पैटर्न है, 31 से 36 31 मैं अगर 5 जोड़ांगी तो मेरे को किन्ने बनते 36। सेम तुम इतने करके भी देख सकते हो, माइनस करके भी देख सकते हो कि 36 चो जे मैं 31 माइनस करांगी तो मेरे को किन्ना बचता है, तुम इतने माइनस करके भी चेक कर सकते हो फिर तो किन्ना बच रहा अपने को, 5 ही बच रहा है। सो इतने फिर की आएगा 5 आएगा, 5 आएगा कि प्लस का, थोड़ा इतना थोड़ा पैटर्न क्लीयर हो गया होगा। देखो पहला प्लस का 5, फिर माइनस दो किते, फिर प्लस 5 किते, अगली बार पैटर्न के अकॉर्डिंग की करांगे फिर माइनस दो करांगे, लाइन वाइज चल रहा है प्लस 5 माइनस दो फिर प्लस 5 फिर इतने द्वार तो की होएगा माइनस दो। कहने का मतलब ए ते ए नंबर की होंगे माइनस दो करके, हुण 36 चो दो गए, इतने आप करके देख सकते हैं कि जो 36 चो दो माइनस किते किन्ने बचते ने अपने कोल। सो आप सैकेंड क्वेश्चन करन जा रहे, सैकेंड क्वेश्चन भी आप पैटर्न वाइज सीखांगे। कई बार ये भी हो सकता है कि हुण कुछ नंबर इदा दे आन जिहदे उपर कुछ होर होवे नीचे कुछ होर होवे, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपस माइनस करके ही आएंगे, ये उपरलिया का अलग पैटर्न हो सकता, नीचे वाले का अलग पैटर्न हो सकता, आपको चैक करना पैना। हुण जिहदे उपरले का पैटर्न चैक करिए आप, दो तो चार तक जाने लई मैनूं दो दे विच किन्ने ऐड करने पैने हैं, दो। इत्थे अजे आपां फिलहाल नहीं पता, आपां छड रहे इस प्लैंक नूं, इत्थे पता आपां किन्ने दा गैप है, अगर 11 ते 16 बनाना, 11 तो 16 बनाना ते इस किन्ने ऐड करने पैने 5। हुण सिंपल जिहा अगर देख के देखिए, इत्थे 2 है इत्थे 5 है, तो आपां जे गैस वर्क लगाईए, अगर इत्थे मैं 3 करदा ते इत्थे मैं 4 करदा, मैं चैक कर रही हां कि काउंटिंग लाइन वाइज बन रही है 2 3 4 5। कहने का मतलब ये दोनों डिफरेंस किन्ने दा है, 2 दा, ये दोनों डिफरेंस किन्ने दा आ गया 3 दा, या फिर कह लो 4 च अगर 3 जोड़े तो किन्ने बन गए 7 बन गए, इदां ही 7 च फिर आ 4 जोड़ते तो किन्ने बन गए 11, 11 विच 5 जोड़ते तो किन्ने बन गए 16, बिल्कुल सही बन गया 2 ते 2 4, 4 ते 3 7, 7 ते 4 11, 11 ते 5 16, लाइन वाइज बन गया। हुण नैक्सट आप नीचे जो नंबर पे ने 3 7 21 31 इनका पैटर्न सोचना वै, इन्हों का पैटर्न सोचने सेम गल करांगे, पहले आ दोनों च देख लेंगे तो आ दोनों च देख लेंगे, क्योंकि ये वैल्यूस आप पता है, फिर आप नैक्सट वाले चाहवे। हुण आप इस चैक करांगे, हुण 3 ते 7 च किन्ने का गैप है, 4 का गैप है, 21 ते 31 च किन्ने का गैप है, 10 का गैप। थोड़ा जहा देखिए अगर आप 2 ते 4 कुछ रिलेशन लग रहा पता, क्योंकि 2 एकम 2 2 दूनी कि होंगे 4, मतलब जो दुगना कर देंगे, जे इस 2 नुगना कर देंगे तो 4 बन जूगा, मतलब नीचले वाला डिफरेंस किमें निकलता है, उपर वाले नंबर का की करांगे 2 गुना, इदा उरे भी देख लो चाहे सेम है 5 है, अगर 5 नू 2 गुना कर देंगे, अगर 5 नू 2 गुना दुगना कर देंगे तो कि बन जूगा 10। सो उपर जो 5 का डिफरेंस है, नीचे की डिफरेंस है, इतने 10 का डिफरेंस है। हुण इतों की पता लग रहा कि दोनों किन्ने का डिफरेंस होएगा, अगर उपर 3 का डिफरेंस है 3 गुना 2 किन्ने का डिफरेंस होएगा 6 का, 7 ते 6 मिलके किन्ने बन जाएंगे 13, फिर 13
ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਚਾਰ ਦੁਨੀ ਚਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੋ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਰ ਦੁਨੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਅੱਠ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਠ ਦਾ ਤੇ 13 ਚ ਅਗਰ ਅੱਠ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ 21 ਬਣ ਜੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 7/13। ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਟਿਕ